हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्त, आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे पीएचपी लॉगिन सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो पे हम डिस्कस किया था क्राउड ऑपरेशन के बारे में, हाउ टू इंसर्ट डाटा इनटू डाटाबेस, हाउ टू डिलीट डाटा फ्रॉम डाटाबेस, हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन पीएचपी। सारी चीज़ हम एक एक करके डिस्कस किया था। इस वीडियो पर आज हम डिस्कस करेंगे लॉगिन सिस्टम के बारे में। ठीक है, मैंने एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया, उसके अंदर दो इनपुट फील्ड ऐड किया। ठीक है, एक यूजर नेम के लिए, दूसरा पासवर्ड के लिए। इसके साथ एक सबमिट बटन भी ऐड किया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल एक फॉर्म मैंने क्रिएट किया। अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो और भी अच्छा फॉर्म डिजाइनिंग लॉगिन सिस्टम के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इस साइट से इस सर्च कोड को डाउनलोड किया था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक डाटाबेस क्रिएट करना है, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक डाटाबेस क्रिएट कर चुका है, इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करूँगा। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टेबल का नेम ऐड करना है। यहाँ पे मैंने टेबल का नेम यूजर रखा। टेबल के अंदर तीनों फील्ड को मैंने ऐड किया, आईडी के लिए एक, यूजर नेम, पासवर्ड के लिए दो। ठीक है, टोटल तीनों फील्ड को ऐड किया। देन टेबल के अंदर आईडी पासवर्ड भी इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आईडी पासवर्ड गो। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूजर नेम रखा ऑनी एंड पासवर्ड रखा ऑनी एट द रेट 1 2 3 4 5। ठीक है, देन एक पेज क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे एक पेज क्रिएट किया जिसका नेम यूजर डॉट पी एच पी। ठीक है, सबसे पहले डाटाबेस को कनेक्ट करना है इस पेज पे। ठीक है, डीबी अंडरस्कोर कनेक्शन डॉट पी एच पी, मैंने एक पेज क्रिएट किया था डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, वही पेज को इस पेज में इंक्लूड करना है। मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, इस तरह इंक्लूड किया जाता है पी एच पी में। यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करना है, एक यूजर नेम के लिए, दूसरा पासवर्ड के लिए। क्यों? जब यूजर आएगा इनपुट फील्ड में वैल्यू डालेगा, वही वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, क्योंकि हमको चेक करना है अगर यूजर का इनपुट फील्ड डाटाबेस में जो रिकॉर्ड है उसके साथ मैच करेगा तो लॉगिन पेज में लॉगिन होगा, अगर नहीं है तो लॉगिन पेज में रिटायर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए दो वेरिएबल क्रिएट करना है, देन और एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इक्वल माई एस क्यूएल आई अंडर स्कोर क्यूरी ब्रैकेट डॉलर कन। डॉलर कन कहाँ से आ रहा है? डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए मैंने एक पेज क्रिएट किया था, उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया था डॉलर कन। ठीक है, उसी वेरिएबल पे मैंने स्टोर किया था पासवर्ड क्या है, डाटाबेस का नेम क्या है, रूट क्या है, सारी चीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए माई एस क्यूएल आई अंडर स्कोर क्यूरी, यहाँ पे क्यूरी क्या होगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर हुयर यूजर नेम इक्वल वेरिएबल, इस वेरिएबल। ठीक है, डॉलर यूजर नेम एंड पासवर्ड इक्वल सिंगल कोटेशन पासवर्ड का जो वेरिएबल है डॉलर पासवर्ड। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि यूजर टेबल से सिलेक्ट करो हुयर यूजर नेम इक्वल डॉलर यूजर नेम एंड पासवर्ड इक्वल डॉलर पासवर्ड। ठीक है, देन और एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर इस सारे वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया डॉलर रो इक्वल माई एस क्यूएल अंडर स्कोर फेच अंडर स्कोर आर ए, यहाँ पे आर ए फेच अंडर स्कोर आर ए, उसके अंदर इस वैल्यू को हम डालेंगे, इस वेरिएबल को डॉलर एस क्यूएल। देन हम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इफ डॉलर रो यूजर नेम इक्वल इक्वल डॉलर यूजर नेम। ठीक है, डाटाबेस में जो नेम है यूजर जो इनपुट फील्ड में डालेगा वही नेम दोनों मैच होना चाहिए। ठीक है, यूजर नेम इक्वल इक्वल डॉलर यूजर नेम एंड रो
पासवर्ड इक्वल इक्वल पासवर्ड, यूजर नेम के साथ इनपुट फील्ड का जो यूजर नेम आएगा वो सेम होना चाहिए, उसके साथ पासवर्ड भी सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। डॉलर रो यूजर नेम इक्वल इक्वल डॉलर यूजर नेम एंड डॉलर रो पासवर्ड इक्वल इक्वल डॉलर पासवर्ड, ठीक है। अगर मैच हो रहा है तो लॉगिन पेज में एंट्री करेंगे, अगर मैच नहीं हो रहा है तो एल्स पार्ट में जाएंगे, ठीक है। लॉगिन पेज में एंट्री होने के बाद एक मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए इको करेंगे, इको वेलकम डॉलर यूजर नेम यू आर सक्सेसफुली लॉगिन, ठीक है, अगर मैच हो गया तो। डॉलर यूजर नेम, देखिए मैंने कैसे इस वेरिएबल को यहाँ भी इको किया, दोनों साइड में कॉन्केट ऐड किया डॉट साइन, ठीक है, उसके अंदर वेरिएबल को ऐड किया। अगर मैच नहीं हो रहा है तो एल्स पार्ट में जाओ, एल्स पार्ट में इको स्क्रिप्ट अलर्ट यहाँ पे करेंगे, अलर्ट स्क्रिप्ट अलर्ट ब्रैकेट सिंगल कोटेशन प्लीज ट्राई अगेन। अगर आप इस चैनल पे नया है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको PHP में कोई भी फ्रेमवर्क पे काम करना है तो सबसे पहले आपके पास PHP का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देन इको स्क्रिप्ट लोकेशन डॉट रिप्लेस ब्रैकेट इसके अंदर सिंगल कोटेशन, इस पेज को हम यहाँ पे ऐड करेंगे यूजर लॉगिन डॉट PHP। मैंने यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अगर यूजर करेक्ट ID पासवर्ड एंट्री करेगा तो लॉगिन पेज में एंट्री होगा, अगर यूजर रंग ID पासवर्ड एंट्री किया तो यूजर डॉट लॉगिन पेज में रहेगा, इसके साथ एक मैसेज शो करेगा प्लस मैसेज शो करेगा कि आप जो ID पासवर्ड डाल रहा है वो गलत है और प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। अभी हम रंग ID पासवर्ड डालेंगे चेक करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एडमिन इसमें पासवर्ड, देखिए रंग पासवर्ड मैंने एंट्री किया था, मेरा यूजर नेम अनी पासवर्ड अनी @1234 5, ठीक है। अभी करेक्ट ID पासवर्ड डालेंगे, अनी पासवर्ड यहाँ पे अनी @1234 5, परफेक्ट, देखिए वेलकम अनी यू आर सक्सेसफुल लॉगिन, ठीक है। आप इस प्रकार PHP में लॉगिन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो के साथ मिलेंगे।